फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 झारखंड की बेटी कर रही है वर्ल्ड कप में कप्तानी, दिहाड़ी मजदूर करते हैं उनके माता पिता। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का भारतीय धरती पर आगाज हो चुका है। भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में भाग ले चुकी है, जहां उसका पहला मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका से 11 अक्टूबर को खेला गया। इस टूर्नामेंट के जरिए भारतीय टीम के पास फुटबॉल जगत में अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका था। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान झारखंड के अष्टमुराओं को मिली है। अष्टमुराओं के बेहद गरीब परिवार से तल्लुक रखती है झारखंड राज्य के गुमला जिले की बिशुनपुर प्रखंड की सुंदरवती गाँव की बेटी। अष्टमुराओं के घर तक जाने का सही रास्ता भी नहीं है। जब प्रशासन को इस बात की भनक लगी तो उसने सड़क बनाने का काम शुरू करवाया। सड़क निर्माण कार्य में अष्टमुराओं के माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर करते पाए गए। जिस सड़क को प्रशासन अष्टम के नाम से बनवा रहे हैं, उसके माता पिता का 250 रुपये की न्यूनतम मजदूरी पर दिहाड़ी करना चिंता का विषय है। एक और जहां इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वहीं दूसरी ओर हॉकी फुटबॉल जैसे खेल खेलने वाले नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की पारिवारिक स्थिति बेहाल है। अष्टम के पिता हीरा उराव कहते हैं कि मजदूरी नहीं करेंगे तो परिवार का पेट भला कैसे भरेगा, जबकि माँ तारा देवी को खुशी है कि बेटी भारत की कप्तान बन गई है। वह बताती है कि अष्टम शुरू से ही जुझारू रही है और वह जिस काम को ठान लेती है उसे पूरे मन के साथ करती है। अष्टम के पिता हर साल बेंगलुरु कमाने के लिए जाते थे ताकि वह अपने बच्ची को परवरिश के लिए कुछ कर सके। अष्टम आज भारतीय टीम का कप्तान बन चुकी है। अष्टमुराव के कहने पर उसके पिता अब की बार बेंगलुरु कमाने नहीं गए और टिकट कैंसिल करके सड़क निर्माण कार्य में जुट गए। माँ तारा उराव ने कहा कि वह अपनी बेटी को गरीबी के कारण भात और बथुआ साग खिलाकर बड़ा किया है। तो अष्टमुराव के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अष्टमुराव जिस गरीबी से पहुंची है नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक फुटबॉल के इतिहास में, देखते रहिए। धन्यवाद।